हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट की ये चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्ट्रक्चर डिज़ाइन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूं। आज मैं आपको एक न्यू 2D प्लान का कॉलम लेआउट निकाल कर दिखाने वाला हूं। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि लेआउट प्लान किसको कहते हैं। फ्रेंड्स, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच के डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने को कॉलम का लेआउट प्लान कहा जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाती है, जिसको कि ग्रिड लाइन या फिर सेंटर लाइन कहा जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर कॉलम का साइज 10 इंच बाय 10 इंच का हो तो ग्रिड लाइन सेंटर टू सेंटर ड्रॉ किया जाता है, और अगर कॉलम का साइज 10 इंच बाय 10 इंच से बड़ा हो तो उस कंडीशन में सेंटर टू सेंटर भी ग्रिड लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, या फिर कॉलम के किसी एक किनारे से 5 इंच के डिस्टेंस पे ग्रिड लाइन को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद कॉलम का पोजीशन बताने के लिए ग्रिड लाइन का नेमिंग किया जाता है। नेमिंग करने के लिए हॉरिजॉन्टली व्यू में अल्फाबेटिकल लेटर यानी के ABCD का यूज किया जाता है, और वर्टिकल व्यू में नंबर यानी 1, 2, 3 का यूज किया जाता है। अल्फाबेटिकल लेटर में I और 1 का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी किसी फॉन्ट में I, L और 1 एक जैसे ही दिखते हैं। इसके बाद एक ग्रिड लाइन से दूसरे ग्रिड लाइन के बीच का डायमेंशन निकाला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्लान ओपन किया है और इस प्लान में मैंने कॉलम को ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कॉलम को प्रोवाइड कैसे किया जाता है किसी प्लान में, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉलम लेआउट प्लान की जरूरत क्यों पड़ती है। किसी स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले उस प्लॉट पे कॉलम को इंडिकेट करना होता है, तब जा करके वहाँ पे फाउंडेशन के लिए गड्ढा किया जाता है और फिर वहाँ पे फाउंडेशन का काम शुरू होता है। तो जब तक आप कॉलम का लेआउट प्लान नहीं बनाएंगे तो आप प्लॉट पे कॉलम को इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कॉलम का लेआउट प्लान बनाना जरूरी होता है। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ऑटोकैड से रिलेटेड इंटरव्यू में क्या पूछेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके का आपको कोई प्लान दे देगा और फिर कहेगा कि उसका लेआउट प्लान आप बनाओ। तो अब मैं आपको बता दूं कि कॉलम का लेआउट प्लान बनाने के लिए 4 लेयर की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले ग्रिड लेयर, उसके बाद सर्किल लेयर, उसके बाद टेक्स्ट लेयर और फिर डायमेंशन लेयर। ग्रिड लेयर के लाइन टाइप में सेंटर लाइन सेट करते हैं और बाकी जो भी लेयर बनाएंगे उसका लाइन टाइप कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 4 लेयर पहले बना करके रखा हुआ है, टेक्स्ट, ग्रिड, डायमेंशन और सर्किल। यहाँ पे आप प्लान में देख सकते हैं कि इस प्लान के चारों साइड में हिडन लाइन से इंडिकेट किया हुआ है, जो इस प्लॉट की कुल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं इस पूरे ड्राइंग को कॉपी करके साइड में रख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कॉलम्स और ये बाउंड्री वाले लाइन को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों को डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि कॉलम लेआउट प्लान में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कॉलम्स और इस बाउंड्री लाइन के अलावा बाकी सभी चीज़ों को डिलीट कर दिया है। इस बाउंड्री लाइन की जरूरत आगे पड़ेगी, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे रहने दिया है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर कॉलम 10 इंच बाय 10 इंच का हो तो कॉलम के सेंटर टू सेंटर ग्रिड लाइन ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले ग्रिड वाले लेयर को करंट में सेट कर लेंगे, उसके बाद लाइन कमांड को यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसके मिड पे और फिर इसके मिड पे उसी तरीके से इसके मिड पे, इसके आगे कॉलम नहीं है, फिर यहाँ पे इसके मिड पे उसी तरीके से इसके मिड पे उसी तरीके से यहाँ पे भी बारी बारी से जितने भी कॉलम्स हैं उसके सेंटर टू सेंटर लाइन ड्रॉ करनी होगी। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर पे और फिर इसके सेंटर पे और फिर इसके सेंटर पे और फिर इसके सेंटर से यहाँ तक 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 और फिर इधर भी, इसके आगे तो नहीं है तो इसको मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सभी कॉलम्स पे सेंटर लाइन ड्रॉ हो चुके हैं। अब सेंटर लाइन को एक शेप में दिखाने के लिए यहाँ से ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे और 5 फीट का ऑफसेट इस बाउंड्री लाइन से बाहर की तरफ ले लेंगे। इसके बाद सभी ग्रिड लाइन को इस एक्सटर्नल लाइन तक एक्सटेंड कर लेंगे। तो एक्सटेंड कमांड को यूज करने के लिए कमांड में टाइप करेंगे EX और फिर इंटर की प्रेस करेंगे।
सबसे पहले इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और बारी बारी से सभी वर्टिकल वाले ग्रिड को ऊपर तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। इसको भी एक्सटेंड करना होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ जो है वो एक समान दिख रहा है। उसी तरीके से नीचे की तरफ भी एक्सटेंड करना होगा। तो फिर से बारी बारी से और फिर इस तरफ भी एक्सटेंड करना होगा। फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और बारी बारी से सबको एक्सटेंड कर लेंगे। और फिर इस तरफ भी एक्सटेंड कर लेंगे। कोई भी ग्रिड लाइन छूटनी नहीं चाहिए। अब इसका काम खत्म हो गया तो इसको डिलीट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि सभी ग्रिड लाइन जो है वो इक्वल शेप में चारों तरफ से दिख रहे हैं। अब इसका नेमिंग करने में आसानी होगा और फिर डायमेंशन करने में भी आसानी होगा। अभी इस बाउंड्री वाले लाइन का काम नहीं है, तो ये जिस लेयर में बना हुआ है उस लेयर को ऑफ कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये किस लेयर में बना हुआ है। अब यहाँ से लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर में आएंगे और उस लेयर को ऑफ कर लेंगे। ऑफ करते ही वो स्क्रीन से हाइड हो जाएगा। इसके बाद इस ग्रिड का नेमिंग करते हैं। तो ग्रिड का नेमिंग करने के लिए सबसे पहले सर्किल बनाते हैं और उस सर्किल के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं। तो सर्किल बनाने के लिए यहाँ से सर्किल वाले लेयर को करंट में सेट करेंगे और एक सर्किल बनाएंगे 12 इंच रेडियस का, और फिर इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे। तो टेक्स्ट लिखने के लिए फिर से यहाँ से टेक्स्ट वाले लेयर को ऑन करेंगे। कमांड में टाइप करेंगे DT जस्टिफाई और मिडिल सेंटर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई मिडिल पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, तो इस सर्किल के सेंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हाइट पूछ रहा है, हाइट डालेंगे 10 और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। रोटेशन एंगल 0 और यहाँ पे कैपिटल में लिख लेंगे A और फिर इंटर की प्रेस करके कमांड से बाहर हो जाएंगे। अब क्या करना होगा, इस सर्किल और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस ग्रिड के चारों तरफ फिक्स करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्किल में चार क्वाड्रेंट होते हैं। अब इसको जिस कॉर्नर पे कॉपी करना है उसके अपोजिट वाला कॉर्नर को सिलेक्ट करके इजिली वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऊपर में सबसे पहले इसको कॉपी करना है, तो क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कमांड को यूज करेंगे, नीचे वाला क्वाड्रेंट को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके एंड पॉइंट पे क्लिक करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कॉपी हो गया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ग्रिड लाइन एक दूसरे से काफी क्लोज होने के कारण ये ओवरलैप कर रहा है। तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है, इस दोनों को सिलेक्ट करके मूव कमांड की हेल्प से इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर लेंगे और फिर लाइन कमांड की हेल्प से बाहर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि ये इंडिकेट हो सके ये जो टेक्स्ट है वो इस ग्रिड लाइन का है। तो यहाँ से इसको मैं मैच कर देता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पे टेक्स्ट एडिट कमांड को यूज करके ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, उसके बाद ई, फिर एफ लिखेंगे। तो टेक्स्ट एडिट कमांड को यूज करने के लिए जिस टेक्स्ट को एडिट करना है उस पर डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिखना है बी और फिर बाहर में क्लिक करके फिर अगले पे क्लिक करेंगे और फिर लिखेंगे सी, फिर बाहर पे क्लिक करेंगे, फिर अगला टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर डी, फिर बाहर में कहीं पे क्लिक करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर लिखेंगे ई, फिर बाहर में क्लिक करके फिर इस पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे एफ और फिर एस्केप करके कमांड से बाहर हो जाएंगे। अब क्या करना होगा, इस पूरे को क्रॉस करके सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कमांड को यूज करेंगे और ऊपर वाला क्वाड्रेंट को सिलेक्ट करेंगे और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे कॉपी कर देंगे और ठीक यहाँ पे भी उसी तरीके से लाइन को इंडिकेट करना होगा ताकि ये पता चल सके कि ये जो बी है वो ये वाला ग्रिड है और फिर मैच कमांड को यूज करके इस दोनों को मैच कर देंगे। अब उसी तरीके से इस साइड में भी इस सर्किल और टेक्स्ट को कॉपी करना होगा, तो इसको सिलेक्ट करके कॉपी कमांड को यूज करेंगे और इधर वाला क्वाड्रेंट को सिलेक्ट करके अब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ और फिर यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दो ग्रिड लाइन जो है वो काफी क्लोज है। तो फिर से क्या करना होगा, इस दोनों को सिलेक्ट करके मूव कमांड की हेल्प से बाहर की तरफ मूव कर लेंगे और लाइन कमांड से इसको इंडिकेट कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी इस दोनों को सेलेक्ट करके बाहर की तरफ मूव कर लेंगे ताकि दोनों ओवरलैप ना हो सके और फिर मैच कमांड को यूज करके इसको मैच कर लेंगे।
और यहाँ पे भी मैच कर लेंगे ताकि ये डिसकलर ना लगे देखने में। अब इसको एडिट करके 1 2 3 लिखना होगा, तो एडिट करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे और 1 लिखेंगे, फिर एक बार बाहर क्लिक करेंगे, फिर इस पर लिखेंगे 2, फिर बाहर क्लिक, फिर इस पर लिखेंगे 3, फिर बाहर क्लिक और फिर इस पर क्लिक करके 4, फिर बाहर क्लिक, फिर इस पर क्लिक करके 5, फिर बाहर क्लिक और फिर इस पर क्लिक करके 6, फिर बाहर क्लिक, फिर इस पर क्लिक करके 7, फिर बाहर क्लिक, फिर इस पर क्लिक करके 8, फिर बाहर क्लिक, फिर उसी तरीके से यहाँ पे भी इस पर क्लिक करके 9 और फिर बाहर क्लिक और फिर इस पर क्लिक करके 10 और फिर इंटर की प्रेस करके कमांड से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साइड भी ग्रिड का नेमिंग हो चुका है। अब इसको क्रॉस के जरिए सेलेक्ट कर लेंगे ताकि उस साइड इसको कॉपी कर सके। कॉपी कमांड को यूज करेंगे और इधर वाला क्वाड्रेंट को सेलेक्ट करेंगे और इस साइड इसको कॉपी कर देंगे। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी लाइन कमांड के जरिए इसको इंडिकेट करना होगा और यहाँ पे भी इंडिकेट करना होगा और मैच कमांड को यूज करके मैच कर देंगे। तो इस तरीके से ग्रिड का नेमिंग हो चुका है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ग्रिड टू ग्रिड डायमेंशन करते हैं। तो उसके लिए यहाँ से डायमेंशन वाले लेयर को करंट में सेट करेंगे। अब सबसे पहले स्टार्टिंग के किसी दो ग्रिड का डायमेंशन करेंगे। तो डायमेंशन करने के लिए डिम लीनियर कमांड को यूज करेंगे और मैं यहाँ नीचे से स्टार्ट करता हूँ, इस कॉलम से इस कॉलम के बीच का डायमेंशन करके ऊपर की तरफ का डायरेक्शन दिखाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे 10 और फिर इंटर की प्रेस कर देंगे। ऊपर की तरफ का डायरेक्शन इसलिए दिखाएं ताकि इस सर्किल से ये ऊपर की तरफ आगे की तरफ ये डायमेंशन जो है वो बढ़ा रहे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ए से बी के बीच का डायमेंशन मैंने क्यों नहीं किया, डायरेक्ट सी पे क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए पे कॉलम है, उसके बाद सीधा सी पे कॉलम है, बी पे कॉलम यहाँ पे नहीं है। तो बी का कॉलम, ए से बी का डायमेंशन निकालने के लिए यहाँ पे ऊपर में डायमेंशन करना होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नीचे में ही डायमेंशन करता हूँ। अब इसके आगे का डायमेंशन करने के लिए डिम कंटिन्यू कमांड को यूज करेंगे। तो डिम कंटिन्यू कमांड के लिए यहाँ पे क्लिक करके अब इसके आगे कहाँ पे डायमेंशन करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी के बाद ई पे कॉलम है, तो ई पे क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद एफ पे कॉलम है, इसके आगे कॉलम नहीं है, तो इंटर की प्रेस करके कमांड से बाहर हो जाएंगे। तो नीचे का डायमेंशन हो चुका है। अब इसके बाद आते हैं ऊपर की तरफ। अब आपको यहाँ पे नीचे में ध्यान देना होगा कि नीचे में जो डायमेंशन किया है वो ए से लेके सी तक किया है, तो ऊपर में अब क्या करना होगा, ए से लेके बी तक का डायमेंशन दिखाना होगा। तो अब ऊपर की तरफ आते हैं और फिर से डिम लीनियर में आते हैं। ए से बी वाला पोजीशन यहाँ पे है, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे क्लिक कर दें क्योंकि ग्रिड तो यहाँ पे है, तो इस पर क्लिक करके नीचे की तरफ का डायरेक्शन दिखा करके वैल्यू पुट करेंगे 10, तो ये ए से लेके बी तक का डायमेंशन निकल जाएगा। ए से लेके बी तक का डायमेंशन निकलने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है यानी इस कॉलम से इस कॉलम का डायमेंशन जो है वो यहाँ से पता करेंगे 10 फीट 7 इंच। इसके बाद बी से डी का डायमेंशन करेंगे और डी से सीधा एफ का डायमेंशन करेंगे, क्योंकि ई का डायमेंशन जो है वो नीचे में निकला हुआ है, सी से लेके ई तक का डायमेंशन नीचे में किया हुआ है, तो इसलिए ऊपर करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए यहाँ से डिम कंटिन्यू कमांड को यूज करेंगे और फिर डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट इस ग्रिड पे क्लिक करेंगे और फिर इंटर की प्रेस करके कमांड से बाहर हो जाएंगे। अब इसको आप एक बार समझ लीजिए कि ए से लेके सी तक का डायमेंशन यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन का डायमेंशन यहाँ से चेक करेंगे, उसके बाद इस कॉलम से इस कॉलम का डायमेंशन यहाँ दिया हुआ है 3 फीट 5 इंच, और उसके बाद डी से लेके सीधा एफ का डायमेंशन दिया हुआ है 18 फीट 3 इंच। और उसके बाद यहाँ पे नीचे में भी आप चेक कर सकते हैं कि ए से लेके सी तक का डायमेंशन यानी इस कॉलम से इस कॉलम का डायमेंशन दिया हुआ है 11 फीट 5 इंच, और फिर इस कॉलम से इस कॉलम का डायमेंशन दिया हुआ है 9 फीट 5 इंच, और फिर इस कॉलम से इस कॉलम का डायमेंशन दिया हुआ है 11 फीट 5 इंच। ठीक इसी तरीके से वर्टिकल का भी डायमेंशन निकालना होगा। तो फिर से क्या करेंगे, लीनियर कमांड को यूज करेंगे और इस पोजीशन से इस पोजीशन का डायमेंशन निकालेंगे और इस तरफ का डायरेक्शन दिखा करके वैल्यू पुट करेंगे 10, तो इसका डायमेंशन यहाँ पे अपने आप फिक्स हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से डिम कंटिन्यू कमांड को यूज करेंगे। अब इस पोजीशन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉलम है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ है तो यहाँ क्लिक किए और फिर डायरेक्ट 1 पे क्लिक करेंगे और स्किप करके कमांड से बाहर हो जाएंगे। अब इसके बाद इस तरफ का डायमेंशन निकालना होगा। तो फिर से यहाँ से लीनियर कमांड को यूज करेंगे और इस पोजीशन से इस पोजीशन का डायमेंशन दिखाएंगे
और वैल्यू पुट करेंगे 10 तो यहाँ पे डायमेंशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से डिम कंटिन्यू कमांड को यूज करेंगे। अब 9 के बाद 8 का डायमेंशन करना है, 8 के बाद फिर डायरेक्ट 8 से 6 का निकालना है, और 6 के बाद सीधा 5, 5 के बाद 3, और 3 के बाद 2, 2 के आगे का डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, तो आप चाहें तो 1 का डायमेंशन भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसका डायमेंशन दिया हुआ है 1 से लेके 3 तक का। अब आप इसको समझ लीजिए कि ये कैसे हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कॉलम से इस कॉलम का डायमेंशन इधर से निकलेगा, इधर से भी निकल सकता है। अब इस कॉलम का डायमेंशन यहाँ से पता चलेगा, और इस कॉलम का डायमेंशन यहाँ से पता चलेगा। उसी तरीके से इस कॉलम का डायमेंशन इधर से पता चलेगा, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डायमेंशन यानी इस कॉलम का डायमेंशन यहाँ से पता चलेगा, और फिर इस पोजीशन से इस पोजीशन का डायमेंशन इधर से पता करेंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन से इस पोजीशन का डायमेंशन दिया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमेंशन, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का, और इस साइड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का, और फिर यहाँ से डायरेक्ट 1 तक का डायमेंशन निकल गया है। तो इस तरीके से चारों साइड का डायमेंशन आसानी के साथ निकल गया है। अब आपको यहाँ पे एक काम और करना होता है, और वो है कॉलम का पोजीशन दिखाना, यानी कॉलम जो है वो ग्रिड से कितना ऊपर है और कितना नीचे है, ये करके दिखाना होता है, ताकि साइट पे जब इस लेआउट प्लान पे वर्क हो तो साइट इंजीनियर को लेआउट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब इसके बाद वो जो बाउंड्री लाइन को मैंने स्टार्टिंग में हाइड किया था उसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब इसका भी डायमेंशन यहाँ पे इंडिकेट करना होगा, वो इसलिए ताकि ये पता चल सके कि ये जो कॉलम है वो इस बाउंड्री लाइन से कितने डिस्टेंस के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो वो डायमेंशन भी यहाँ पे आपको इंडिकेट करना होता है। और वो कब करना होता है, जब बाउंड्री लाइन जो है वो प्लॉट से बाहर की तरफ हो, यानी आपके प्लान से चारों तरफ कुछ स्पेस छोड़ा हुआ हो, तो उस स्पेस का भी डायमेंशन यहाँ पे इंडिकेट करना होता है। तो उसको इंडिकेट करने के लिए इस पोजीशन से इस पोजीशन का डायमेंशन यहाँ दिखाएंगे। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो कॉलम है वो इस बाउंड्री लाइन से 2 फीट 5 इंच के सेंटर डिस्टेंस पे फिक्स करना है। उसी तरीके से इस साइड भी आपको करना होगा, तो यहाँ से लीनियर कमांड को यूज करके इस पोजीशन से इस पोजीशन का डायमेंशन निकालेंगे, और फिर यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से इस कॉलम से इस पोजीशन का डायमेंशन इंडिकेट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है वो इस बाउंड्री लाइन से 3 फीट 9 इंच के सेंटर डिस्टेंस पे फिक्स होगा। उसी तरीके से यहाँ नीचे में भी इंडिकेट करना होगा कि ये जो कॉलम है वो बाउंड्री वाले लाइन से कितने डिस्टेंस पे फिक्स करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉलम इस बाउंड्री से 2 फीट 5 इंच के सेंटर डिस्टेंस पे फिक्स होगा। उसी तरीके से इधर भी आपको निकालना होगा, तो इधर भी निकालने के लिए जस्ट वही काम आपको यहाँ पे करना होगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये वाला जो कॉलम है इस बाहर वाले लाइन से 4 फीट 11 इंच के डिस्टेंस पे फिक्स होगा। इसके बाद एक लास्ट काम और करना होता है, और वो है कॉलम का नेमिंग करना। यानी मान लीजिए आपके प्लान में अलग अलग साइज का कॉलम यूज किया हुआ है, जैसे कि अभी यहाँ पे 10x10 का ही है, लेकिन अगर आपके एक प्लान में 10x10 के अलावा भी बहुत सारे साइज का कॉलम यूज किया हुआ है, तो उस कंडीशन में अलग अलग कॉलम का नेमिंग करना होता है। तो आप यहाँ पे मैं किसी एक टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, और इसको कॉपी करके किसी एक कॉलम के आगे में इस तरीके से रख के, अब जैसे इसका नाम करना है C1, तो इस तरीके से और भी जो कॉलम अलग अलग होंगे, तो जैसे ये मान लीजिए 10x10 का है तो इसको मैंने C1 रखा, और कोई अगर 10x15 का है तो उसको C2 करना होगा, उसी तरीके से दूसरा जो कॉलम होगा उसको C3 करना होगा। तो इतना करने के बाद आपका कॉलम का जो लेआउट प्लान है वो तैयार हो जाएगा, और फिर वो साइट पे काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा। मैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो ऑटोकैड हिंदी में सीखना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।